तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं फिर से सौरभ जोशी के एक व्लॉग पर रिएक्शन करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसका टाइटल है फाइनली न्यू घर का डिज़ाइन आ गया। तो जो सा सौरभ जोशी को आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी 4-5 वीडियोज़ जो उनको मैंने रिएक्शन डाले हुए हैं, और उनकी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको मैं ऑफ कैमरा भी देखता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि उनकी इस वीडियो के ऊपर मुझे रिएक्शन डालना चाहिए। और ये जो सा यूट्यूब पर इन्होंने अपलोड किए हुए, मतलब कि पब्लिक किए हुए भी थोड़ा टाइम ही हुआ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 या 2 दिन हुए हुए इसको। तो मुझे लगा टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को देखना चाहिए और उसके ऊपर अपने रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। सौरभ जोशी को जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि इस वीडियो के ऊपर मेरा रिएक्शन आना चाहिए। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे करेंगे एज यूजुअल बातें जैसे हम करते होते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँ आपको वो सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए इसके बाद मैं टाइम को इसके बगैर इस वीडियो को शुरू करता हूँ, उसके बाद करेंगे एज यूजुअल बातें और लेट्स जंप टू द वीडियो। लेट्स हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली हमारे घर का डिजाइन आ चुका है हमारे पास में, क्योंकि आपको दिख रहा है पीछे ये है हमारा घर, और ये भैया ने डिजाइन किया है। अच्छा लगा भैया, और कितना टाइम लगा? बहुत मेहनत लगी, 3-4 महीने लगे, 4 महीने 3-4 महीने लग गए। और ये देखो साउंड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारा होने वाला घर, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। 3D डिजाइन आ चुका है, पूरी वीडियो आ चुकी है, सारा सब कुछ कि यहाँ पे गार्डन होगा, किस तरह से रूम होंगे, सब कुछ। तो पूरी वीडियो अभी आपको दिखाते हैं। तो चलो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ पूरी वीडियो कि बाहर से कैसे लगेगा, अंदर से कैसे लगेगा, गार्डन रूम सब कुछ, सब कुछ पूरी वीडियो है, अराउंड 10-11 मिनट की वीडियो है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये है घर के बाहर का एरिया, ये रोड है, यहाँ पे गार्डन भी है घर के बगल में, और पूरा कुछ इस तरह का लगेगा। देखो अभी दिखाते हैं आपको, चलो। तो ये वीडियो स्टार्ट कर दिया, मजे का सीन है। ये है हमारा घर, ये होने वाला घर, वीडियो स्टार्ट हो गई, और ये होने वाला घर 4 मंजिल है वैसे, पर आपको देखने में 3 मंजिल लग रहा है, 4 मंजिल। हां, डिजाइन इस तरह से करा है, तो डिजाइन छोटा लग रहा है। हां, वो जानबूझ के बनाया गया है ऐसे। प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन ब्राउन, आप सोच रहे हो क्या है, ये एक्चुअली जालीज है। तो इससे क्या होता है ना, जालीज कम रहता है। अब कैसे रहता है बहुत टेक्निकल है, बट अगर मान लो आपके घर में आपको 10 घंटे से चलाना पड़ता है गर्मियों में, तो इस घर 10 घंटे 3-4 घंटे ही चलाना पड़ेगा बस, ठंडा रहेगा, बेसिकली ठंडा रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो कैलकुलेशन है 5 डिग्रीज का फर्क रहेगा, बहुत फर्क होता है 5 डिग्री, 5 डिग्री कम ही रहेगा। अगर मान लो 30 है तो 25 रहेगा, इस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि अलवानी बहुत गर्म जगह है। और ये हमारे घर की फ्रंट एंट्रेंस है, तो सामने बहुत बड़ा गार्डन है घर के, काफी बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 60% एरिया हमने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे खेल सकते हैं, 40% एरिया में घर बना है, 60% एरिया खाली है, और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं, बाकी लॉन है। वैसे तो गाड़ियों के लिए हमने अलग पार्किंग बनाई है, और यहाँ पे मतलब ये पूरा गार्डन है हमारा फ्रंट, हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं प्रिवियसली। और जो इस घर का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सारे विजिटर्स के लिए, और ये जो एरिया है पूरा हॉल हमने खाली छोड़ दिया, कभी कोई एक्टिविटीज होगी, कोई फंक्शन होगा, या साहिल वो करता है ना जिमनास्टिक वगैरह, उसको ही सोच के मैंने ये जगह पूरी खाली छोड़ दी, वो यहाँ कूदे गुलाटी मारे जो करना है करें, ये जगह पूरी खाली है। और यहाँ से पीछे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारी गाड़ियों की पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे, देखो ये अलग से गाड़ी, तीनों गाड़ी है, ये तो अलग गाड़ियाँ लगा दी यहाँ पे, यहाँ पे थार, फॉर्च्यूनर, इनोवा, तीनों गाड़ी आ जाएंगी अपनी यहाँ। और मेन है सेफ भी है कि आप पीछे से आए गाड़ी खड़ी करी आपको, अच्छा पीछे से भी गेट है, पूरा घर खोलने की जरूरत नहीं है। ये वो गार्डन है जो हमें सोसाइटी की वजह से की तरफ से मिला है बगल में, तो यहाँ पे आपको फॉलोअर आएंगे, हेलो हेलो हाय सब होगा ड्रामा भाई, लग ये पूरा, हाँ लग तो मस्त रहा है। मतलब घर के चारों तरफ का एरिया ऐसा ही रहेगा। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर घुसेंगे, यहाँ से अंदर घुसने का एरिया, यहाँ पे इस तरह के ये सब प्लांट्स वगैरह होंगे, फूल वगैरह सब कुछ, ये अपना लॉन हो गया, और ऊपर भी देखो यहाँ भी प्लांट्स वगैरह हैं सब कुछ। मतलब इस घर में ना हरियाली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इन सब चीजों से ना ठंडक भी रहती है, प्लस ग्रीन होना चाहिए, इससे ठंडक रहती है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो सबसे मेन है ना, सबसे मेन एलिमेंट वो यहाँ का लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम जो है ना पूरा डबल हाइट है, लिविंग रूम मतलब सौरभ के हिसाब से ही बनाया है, तो ये पूरा हम जो देख रहे हैं सौरभ के हिसाब से पूरा लिविंग एरिया है। और ये सामने जो ऊपर आप देख रहे हो ये इनका गेमिंग रूम है, बेसिकली वर्क रूम कह लो, तो गेमिंग रूम वो तो पीयूष का होगा, पीयूष का है, मतलब सभी लोग काम कर सकते हैं। और सबसे जो मस्त चीज है, सबको बहुत एक्साइट करने वाली है, कि इस गेमिंग रूम से जब नीचे यहाँ किचन है हमारा, तो आंटी बोलेगी खाना खाने आ जाओ, तो यहाँ पे स्लाइड में बैठो, देखो यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड से सीधा नीचे, कुनाली आपको मजे आएंगे, कमाल है यार, स्लाइड है सीधा नीचे, ऊपर कहाँ से जाते हैं, ऊपर सीढ़ी से।
अभी दिखाएंगे। ये जो स्लाइड है ना, ये इतना मजा आएगा इस स्लाइड में देखना, बाद में बता रहा हूँ। अंकल भी स्लाइड करके आएंगे क्योंकि वो बहुत ही फन चीज है। बाहर विदेशों में ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लगी हुई है स्लाइड्स, और लोग प्रोफेसर आते हैं स्लाइड करके, तो ये बहुत मस्त चीज है, मजा आएगा। ये वेटिंग रूम है, ये तो मजे का सीन लग रहा है। अरे कोई मिलने आता है तो ना, कोई भी विजिटर आएगा ना यहीं रुकेगा। यहाँ पीछे छोटी सी पैंट्री भी है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब नीचे ही नीचे ही नीचे ही, क्योंकि मेन है कि तुम्हारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मिले ना, अब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कई सारे तरह के ब्रांड्स वाले भी आएंगे, बहुत कुछ होगा आने वाले टाइम में, तो हर कोई घर के अंदर तो घुसेगा नहीं, है ना, घर वालों की प्राइवेसी खराब होती है। तो यहीं पे ही आराम से चिल कर सकते हो। तो जो भी बंदा घर के अंदर आएगा ना, कैमरे में देख सकते हो, अपने टीवी पे भी दिख जाएगा, आपको मोबाइल पे भी दिख जाएगा, तो आप कहीं भी हो ना ऑल ओवर इंडिया, आप इंटरनेट के थ्रू गेट को अनलॉक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोन से हमें आया, आप कहीं हो, मान लो आप वहाँ ऊपर मैगी खा रहे हो, अपने रूम में कोई घंटा लगेगा, तो आपने वहीं से बटन दबाया, गेट खुल गया, आप बैठ जाओ अंदर। तो बेसिकली क्या है ना कि आराम भी है प्लस सेफ्टी भी है, दोनों चीजें आप चेक करके अप्रूव करके दोनों चीजें एक साथ। फिर ये लिफ्ट है, तो यहाँ पे लिफ्ट भी है। लिफ्ट ना, लिफ्ट लगाने का हमारा मतलब कोई लग्जरी नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना कि मैंने बहुत बार देखा है कि जब एज हो जाती है ना, जैसे अंकल आंटी धीरे धीरे एज होगी, बूढ़े होंगे, तो घुटनों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो सीढ़ी चढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लिफ्ट हम तभी लगाएंगे जब उनको जरूरत होगी, अभी लगा सकते हैं। पर इसका मतलब मेन मोटिव लग्जरी नहीं है कि हाँ यार हम लिफ्ट से ऊपर नीचे करेंगे, इसका मेन मोटिव है कि जब जरूरत हो तो हम लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकें मजबूरी में। तो बेसिकली नीचे गार्डन है, वेटिंग एरिया है और पार्किंग है। नीचे हम कुछ भी अपने लिए रूम, पर्सनल रूम नहीं बना रहे, पर्सनल रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर से बनेगा जहाँ पे मम्मी पापा सब रहेंगे। चलो आप आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ऊपर चलो, सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं, और सीढ़ी हम लकड़ी की बनाएंगे। सौरभ का मेन रिक्वायरमेंट था, इसमें बोला था भैया मेरे को ऐसा चाहिए कि पूरी फैमिली ना एक साथ रहे। हाँ, पूरी फैमिली एक साथ रहे। तो अब एक साथ रखने के लिए एक ही फ्लोर पे अगर हम बनाते तो पूरी लैंड भर जाती है। तो हमने क्या है, मल्टीपल फ्लोर पे बांट दिया, एक फ्लोर नीचे, पर सारे फ्लोर ना कनेक्टेड है। जैसे आप लोग मॉल में जाते हो ना, तो मॉल पूरा दिखता है ना, पूरा खुला। तो उसी तरह से घर को भी डिजाइन किया है कि हर नीचे वाले फ्लोर से ऊपर दिखता है, ऊपर से नीचे दिखता है, आपस में बात हो सकती है, मतलब पूरा कनेक्ट है, ताकि फैमिली को ऐसा ना लगे हम अलग अलग रह रहे हैं। ये बेसिकली जो आप देख रहे हो सबसे ग्रैंड एरिया यही है हमारे घर का। ये पूरा लिविंग रूम है, ये मंदिर है, अभी दिखाते हैं आपको आराम से। और ये लिविंग एरिया है, लिविंग रूम। यहाँ बढ़िया फायर प्लेस भी है, सर्दियों में अपना आग वाग जला सकते हैं, एंड यहाँ पे बैठ के मस्त अपना टीवी वगैरह देख सकते हैं। आंटी जब खाना पकाएगी ना, मैं देखता हूँ चाची और आंटी जब खाना पकाते हैं, बेचारे अलग चले जाते हैं। यहाँ पे क्या, खाना पकाते पकाते भी देखो आप यहाँ से टीवी देख सकते हो कि क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये आइलैंड है, यहीं पे कुनाली होमवर्क कर लेगा। एक पूरा कनेक्शन है घर में ना, बहुत जरूरी है कि सब लोग आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। और फिर किचन ओपन है तो गंदगी होती है, तो गंदगी वाला सारा काम पीछे, एक छोटा सा रूम है पीछे जहाँ पे आपका सारा स्टोरेज होगा, बर्तन धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, सब कुछ, मतलब कोई खाना भी होगा ना कटिंग गंदगी वाला, सब पीछे कटेगा, वो सब पीछे। ये हमारा मंदिर है, ऊपर ग्लास की रूफ है, तो पूरी धूप आएगी नीचे तक, तो ये पेड़ों को धूप मिलेगी, तो घर के अंदर पेड़ होंगे। और जो ये पेड़ लगाएंगे ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये पेड़ होंगे जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देंगे, सबसे बेस्ट। इससे इससे पूरी टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि ऑक्सीजन ठंडी होती है ना, तो ये 24 के 24 घंटे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देंगे। तो पूरे एक कैसे 24 घंटे देंगे? अब हम जा रहे हैं बेडरूम्स में, सबसे पहले अमा बुबू का रूम, 24 घंटे तो दे ही सकता दरख्त ऑक्सीजन, ये रूम है उनका, तो सुबह के टाइम में वो ऑक्सीजन देता है, रात के टाइम में वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी कि घर में ना पूरी फैमिली एक साथ रहे, बिल्कुल कनेक्टेड रहे। तो इस तरह से हमने किचन को डिजाइन किया, इसी तरह से हमने सारे रूम्स को इसी तरह डिजाइन किया। ये रूम हमने इस तरह से डिजाइन किया कि ये पूरे घर का ना सबसे गर्म रूम होगा। अब उनकी एज हो गई ना, उनको गर्मी, पूरे घर का सबसे गर्म रूम, ये रूम सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, सर्दियों में पूरी धूप आएगी पूरे टाइम। मम्मी पापा का हाँ बगल में रूम है, तो ये रूम है मम्मी पापा का, तो ये रूम है चाचा चाची का। कोई भी चीज अगर आप देखोगे ना, कॉम्पैक्ट साइज की है पर बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही हमने साइंटिफिक तरीके से बनाई है हर चीज। अच्छा, मम्मी पापा साथ चाचा चाची, बड़ा बड़ा नहीं किया कि कुछ महल जैसा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, बस ये कि पूरी फैमिली साथ में रहे और अच्छे से रहे बस। अब सीढ़ी से हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं जो सारे बच्चों का है फ्लोर, बच्चों का फ्लोर यानी कुनाली पीयूष। तो अभी आपको मम्मी पापा अम्मा बाबू और चाचा चाची का दिखाते हैं जो कि नीचे है, और उससे ऊपर है हम बच्चों बच्चों का। सबसे पहले आपको कुनाली और पीयूष के ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, कुनाली और पीयूष का एक ही है? हाँ। तो ये है कुनाली और पीयूष का बहुत छोटा सा क्यूट सा रूम, मस्त एकदम। और इस रूम के बाद आते हैं हम साहिल के रूम में। साहिल का रूम हमने उसी के हिसाब से बनाया है कि उसको स्पेस मिले, जगह मिले। और ये जो रूम है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साहिल से डिस्कस हुआ था कि अच्छा ये साहिल का है, ये साहिल का रूम है, इसमें हम ना ऊपर से वो बंजी वगैरह लगा देंगे, लटका देंगे। अच्छा। तो साहिल लटक पटक के करता है ना, वो अपने रूम में करता रहेगा, काफी कंफर्टेबल साइज हो, इसलिए है कि ये सब चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर सके इसमें ना। मेरा सौरभ का रूम, अच्छा मेरा तगड़ा है। हाँ, ये हमने इसी मैंने इस हिसाब से बनाया कि सौरभ की क्रिएटिविटी और पूरे दिन काम करता है, प्लस इस रूम की दो खासियत है वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, तो फाइनली मेरा रूम, ओ भाई
ये लोग हैं और इसमें ये एडिटिंग टेबल है। सबसे पहले मैंने ये बनाई, एडिटिंग टेबल जरूरी है और बहुत मिनिमलिस्टिक है, जैसे सौरभ है ना बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, मतलब कुछ फालतू चीजें नहीं चाहिए। इस रूम की पहली खासियत ये है कि यहाँ से व्यू आता है बहुत फार, पूरा सामने जंगल है, पूरा जंगल। तो जब सुबह सुबह तो उठेगा तो चिड़िया वगैरह दिखेंगी, या ना सनराइज भी दिखेगा यहीं से। तो ये मतलब बहुत पॉजिटिव रूम है और ये इसलिए देखो दिया है क्योंकि तू इतनी मेहनत करता है, दिन रात एडिटिंग करता है, तो चाहिए इस तरह का माहौल। मतलब तू रूम से डायरेक्ट बात कर सकता है, अपने कमरे में होने के बाद भी घर में सबसे बात कर सकता है, यहीं से ब्लॉगिंग भी कर सकता है। अच्छा हाँ हाँ पूरा, क्योंकि यहाँ से पूरा घर दिखता है, गेमिंग रूम भी दिखता है, नीचे लिविंग रूम मंदिर सब दिखता है। ये जो घर बनाने का ये ब्लॉगिंग को देखते हुए बनाया है कि पूरे घर में अगर मैं अपने रूम में हूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, अगर वो कोई अपने रूम में भी है या फिर मुस्ताहिल अपने रूम में है, मम्मी पापा अपने रूम में है, तो हमारे रूम में बात कर सकते हैं। इस तरह से बनाया पूरा घर, व्लॉगिंग करने में इजी रहेगा। घर में ना स्काईलाइट है, घर के अंदर धूप आ रही है, धूप ना बहुत जरूरी है, ऑलमोस्ट गर्मी होती है पर हमने उसको कंट्रोल करा है। अब वो बहुत टेक्निकल है आपको नहीं बताऊंगा, पर हमने धूप की गर्मी को काट दिया है और धूप की रोशनी को ले गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो घर को ना बहुत फील गुड बनाती है और अच्छा बनाती है। ये हमारे रूम है, ये सौरभ का रूम है, ये मेरा रूम है, ये जस्ट किचन के ऊपर है, किचन के ऊपर है, कनेक्टेड है। तो गाइस आपको सारे रूम दिखा दिए, बच्चों के दिखा दिए, मम्मी पापा के, अम्मा बाबू के, सबके दिखा दिए। अब एक बनेगा स्टूडियो, मेरा आर्ट स्टूडियो, जहाँ मैं ड्रॉइंग वगैरह आर्ट वर्क बनाऊंगा। तो वो सबसे ऊपर फ्लोर पे बनाया, छत में भी आप देखोगे गार्डन वगैरह है जगह जगह, हमने ऐसे बनाया गार्डन वगैरह की घर को ठंडा रखे, हर चीज प्लांट। छत में भी गार्डन है, ये गार्डन है, ये रियल है, नेचुरल घास उगी हुई है, घास उगेंगे ब्रो, छत पे घास उगेगी, सब्जी उगेगी। पर इसका बेनिफिट ज्यादा में ये है कि घर ठंडा रहेगा। तो ये है आर्ट स्टूडियो, पर उससे पहले एक छोटा सा गेस्ट रूम। अच्छा गेस्ट रूम भी, बेसिकली मैंने हिसाब से बनाया कि मैं आऊंगा कभी, तो अपना अपने को भी चाहिए। तो बेसिकली हमारा गेस्ट रूम है और सबसे टॉप फ्लोर पे इसने रखा है कि गेस्ट को थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए, दोस्त लोग आए, कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए तो हर समय घर के बीच में तो रहेंगे नहीं ना, अपना ऊपर ही चिल मार लिया, कुछ कर लिया भाई, ऊपर कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर लिया, ऊपर मजे मार लिए, पार्टी कर ली, जो भी कर लिया, वो अपना फ्लोर ही अलग हो गया। ये है हमारा आर्ट रूम और इस रूम के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इस घर में सबसे ज्यादा। मैं भी, ये पूरा वाइट रहेगा, तो यहाँ पे सारे आर्ट वर्क्स रहेंगे, सारे मटेरियल्स सब कुछ, क्योंकि इतनी ज्यादा आर्ट सौरभ ने बनाई है ना, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जगह होनी चाहिए। प्लस क्या है कि बनाते जाओ, इतना बड़ा रूम है, इसको भरने में सौरभ को बहुत टाइम लगेगा, पर मजा आएगा। और एक चीज आपको और मैं बहुत मजेदार दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप एक ग्लास देख रहे होगे, तो ये ग्लास पता है क्यों है, हाँ। ग्लास के ऊपर भी कट है, इसकी छत भी शीशे की है। अच्छा, तो ऊपर से धूप इसमें आएगी, इसके नीचे हमारा गेमिंग रूम है, तो गेमिंग रूम के अंदर धूप आएगी, दो मंजिल नीचे। अच्छा, नेचुरल लाइट और धूप हमें हर रूम में चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे गेमिंग रूम है, तो यहाँ पे से आप नीचे देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। पीयूष क्या कर रहा है, हल्ला कम कर। सौरभ मुझे बोला था कोई भी चीज बहुत महंगी महंगी नहीं लगाएंगे, बट जो चीज वेदर लास्ट करे और अच्छी हो, बस तो उसी हिसाब से हमने हर चीज डिजाइन करी है। कब तक बनेगा, कितना टाइम लगेगा ब्रो? अब ये है कि हम इसे शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ, मतलब कितने लग जाएगा बनाने में, कितना टाइम? एक साल, एक साल में बन जाएगा, इतना बड़ा घर, एक साल लगेगा, एक साल में बन जाएगा। अगर एक साल में, डेढ़ साल में तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, एक साल में हो जाएगा, एक साल कंप्लीट, एक साल में। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, वो तो घर बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं तो पहले 8 महीने बोल रहा था, बट घर का साइज बड़ा हो चुका है क्योंकि लोग बहुत है ना, मतलब सबका सेपरेट रूम है ना। तो गाइस कम्प्लीटली आपको हमारा घर दिखा दिया है, होने वाला घर ऐसा ही होने वाला, मतलब कम्प्लीटली, मतलब और भी काफ़ी चेंज होंगे इसमें, ये तो मतलब स्ट्रक्चर दिखाया है और कैसे रूम होंगे और क्या बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो भैया को ही पता है किस तरह से उन्होंने बनाया है। तो हाँ, बाकी आप कमेंट बताना आप क्या सोचते हो, और बाकी आप अपने सजेशन भी देना, और क्या क्या चीज़ें अपने आइडियाज़ दे सकते हो, क्योंकि अभी बना नहीं भाई, मतलब सिर्फ 3D बना है, ऐसा बनाएंगे वो बता दिया आपको, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, और अगर कोई हेल्प कर सकता है, कोई अगर कोलैबोरेशन कर सकता है घर से रिलेटेड कुछ, तो वो भी कर सकते हैं, खुद अपने हाथों से डिजाइन करें, कि एक चीज सोच समझ के करना पड़ता है ना। गाइस मैंने 100 घर से ऊपर डिजाइन करे, बट ये मतलब मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत भी इसमें लगी है, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिजाइन मेरा यही होगा, आई एम श्योर। हां वो तो दिख रहा है गाइस कितनी मेहनत है, एक एक रूम को अच्छे से डिजाइन करा है हमारे हिसाब से, लाइक मेरा रूम किस तरह से होना चाहिए, अम्मा बाबू किस तरह से होना चाहिए। इस व्लॉग में आपको सिर्फ घर दिखाना था कैसा है, कैसा डिजाइन है बेसिकली। तो चलो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा होने वाला घर, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। अच्छा जी भाई, तो ये हमारा रिएक्शन था सौरभ जोशी के इस व्लॉग के ऊपर, जिसमें बेसिकली उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, और उन्होंने बेसिकली अभी उसका 3D जो सा उसका एनिमेशन है वो तैयार की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि नीचे वाला फ्लोर जो सा उन्होंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, और उसके अंदर पार्किंग है और एक बड़ा सा हॉल है।
सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने जो सा उनके अम्मी अबू की, दादा दादी की और चाचा चाची की रहाइश होगी, और थर्ड फ्लोर पे फिर उनके भाइयों की रहाइश और उनकी रहाइश, और जो फाइनल फ्लोर है फोर्थ फ्लोर, वहाँ पे उन्होंने अपना एक आर्ट वर्क के लिए एक रूम बनाया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जितने गेस्ट रूम भी साथ उन्होंने बनाया, कि कोई गेस्ट आता है, यूट्यूबर्स आते हैं, कोलैब्स करते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उधर रह सकते हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे सौरभ का जो अपना रूम था ना वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका व्यू और जो बाहर एरिया नज़र आ रहा था वो काफ़ी कमाल का था। इवन के जो उनका आर्ट वर्क वाला रूम है ना, वो भी बहुत कमाल का था। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, उनके ये दो रूम तो बहुत अच्छे थे। अगर ओवरऑल मैं घर की बात करूँ तो घर अच्छा था, क्योंकि नो डाउट उन्होंने वाकई ही मेहनत की हुई थी, उसको सोचा था, उसको कंसीव करके बाद में उसका 3D मॉडल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी मेरा इरेक्शन था, आपको इरेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस चैनल के ऊपर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर नहीं जाएगा तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मजे की वीडियो साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।